धड़कनें बढ़ गईं और सांसें थमी की थमी रह गईं, जब यूपी विधानसभा के बगल से सेना के हेलीकॉप्टर उड़ते दिखाई दिए। नो फ्लाइंग जोन में हेलीकॉप्टर का उड़ना लोगों और सुरक्षा कर्मियों को हैरत में डाल गया। विधानसभा मुख्यमंत्री कार्यालय, लोक भवन, बापू भवन, पुराना मुख्यमंत्री कार्यालय, शास्त्री भवन और योजना भवन के आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग परेशान हो गए कि जहां ड्रोन तक नहीं उड़ सकते, वहां हेलीकॉप्टर कैसे उड़ रहा है। गुरुवार की सुबह लखनऊ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यूपी की राजनीति के गढ़ यानी यूपी लोक भवन और विधानसभा के ऊपर अचानक फिर से सेना का हेलीकॉप्टर मंडराने लगा। आसपास के लोगों की समझ में ही नहीं आ रहा था कि यूपी विधानमंडल में क्या हो गया। सेना का हेलीकॉप्टर अचानक लोक भवन के पास पहुंचा, जिसके बाद एक के बाद एक कई एनएसजी के कमांडो रस्सी के सहारे छत पर कूदे और मोर्चा संभाल लिया। आधुनिक हथियार के साथ एनएसजी के जवानों ने पूरा लोक भवन अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान आसपास के इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही और सुबह से ही वाहनों की आवाजाही भी रोक दी गई। बता दें कि ये सब कुछ एनएसजी और यूपी पुलिस की संयुक्त मॉकड्रिल ऑपरेशन गांडीव का हिस्सा है, जिसका मकसद आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना है। एक दिन यानी 13 सितंबर को इसकी शुरुआत की गई, जब लोक भवन के सामने ब्लास्ट हो जाता है और आतंकी लोक भवन को अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसके बाद यहां एनएसजी का सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। देर रात बाकायदा बख्तरबंद गाड़ी में एनएसजी के कमांडो लोक भवन के सामने पहुंचे और मोर्चा संभाला। यही नहीं, आसपास रेलवे स्टेशन की भी जांच की गई। मॉक ड्रिल के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को बंधक बनाया गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। इस मॉक ड्रिल के दौरान कुछ पलों के लिए तो लगा जैसे सच में यूपी विधान भवन और लोक भवन में आतंकियों ने हमला कर दिया है। यूपी पुलिस और एनएसजी कमांडो की संयुक्त मॉक ड्रिल गुरुवार को भी जारी रही, जब आतंकियों को मुकाबला करने के लिए लोक भवन के ऊपर सेना का हेलीकॉप्टर पहुंचा। इस दौरान एनएसजी के कमांडो रस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हुए दिखाई दिए, फिर उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। लोक भवन और विधान भवन में ये मॉक ड्रिल सुबह 7 बजे से 9 बजे तक चली। दरअसल अयोध्या में अगले साल जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होना है, ऐसे में यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा जाएगा। यही नहीं, कई धार्मिक जगहों वाराणसी, मथुरा में पहले कई बार धमकियां भी दी गई हैं, जिसे देखते हुए सेना की ऐसी मॉक ड्रिल बेहद जरूरी हो जाती है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना का मुकाबला किया जा सके।